सो गाइस आज मैं सिखाऊंगा आप सबको मोबाइल फ़ोन में एडिटिंग कैसे करें और ज़बरदस्त भी मैं का लिया फोटा। फिर सिंपली मैं कोई भी एक फ़ोटो ले रहा था, ये मेरा फ़ोटो है। फिर इधर हमें कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी, देख रहे हैं गाइस। यहाँ पे ये ग्रंज सिलेक्ट कर लीजिए या आप इस तरह से बना सकते हैं, कोई भी आपको इस तरह यहाँ पे सफल करके एडिट मिल जाएगा, जो भी बढ़िया लगे उसको एडिट कर दीजिए। ये मेरे को बहुत से अच्छे लगे, तो जो भी अच्छा लगे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सिलेक्ट कर लिया मैंने, इसके बाद इस तरह से देख मार लेना है, मेरे को ये पसंद नहीं है। फिर से हम सिलेक्ट करेंगे जाके ग्रंज पे, यहाँ पे ये वाला नहीं, ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ से कोई भी, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, जरा आपको मिलेगा यहाँ ट्यून इमेज, यहाँ पे आप जाके इसे फाइंड कर सकते हो। ब्राइटनेस लो करना है तो लो कर सकते हैं, थोड़ी लो कर लेता हूँ, देखो थोड़ा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देगा, थोड़ा सैचुरेशन बढ़ाना हो घटाना हो भी यहाँ पे थोड़ा सा घटा देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा एम्बियंस बढ़ा देता हूँ, लाइट्स थोड़े बढ़ा देता हूँ, शेडोस ज़्यादा रखता हूँ, भी वॉर्म बनाना हो या थोड़ा सा कूल। फोटो हो गया तैयार, अब देखिए जाएगा दूसरा, अब एच डी आर कर सकते हैं, एच डी आर हाई डायनेमिक रेंज, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ नॉयर, अभी आप नॉयर कर सकते हैं इस तरह से, यहाँ फिल्टर्स दिए हुए हैं, फिल्टर दे सकते हैं अभी। और भी यहाँ पे हमारे पास फ़ोटो है, जो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो करना हो तो ब्लैक एंड वाइट यहाँ पे, जो किसी भी तरह का आपको ब्लैक एंड वाइट चाहिए वो हो सकता है। यहाँ पे हेड पोज है, ओके, यहाँ पे मेरा फेस डिटेक्ट नहीं हुआ, तो यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे ढेर सारे यहाँ पे फॉन्ट दिए हुए हैं, कोई भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, कुछ भी यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कलर, यहाँ पे जो भी रख कलर बढ़ लेगा। ये ओपेसिटी का भी आपको ब्राइट करना कर सकते हैं। एडिट करने के बाद यहाँ पे विंटेज का ऑप्शन है, विंटेज एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, प्ले स्टोर पे अवेलेबल। और भी यहाँ पे ढेर सारा ऑप्शन है, विगनेट हो गया भी है, विगनेट है, ग्लैमर ग्लो है, यहाँ पे आप ऐसे चेहरे को एकदम स्मूथ कर सकते हैं, पर्सपेक्टिव है यहाँ पे, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिएगा इतनी आप इस तरह से इधर देख सकते हैं, इस तरह का पोज बनाना हो इस तरह या इस तरह ये, इस तरह फोटो बनाना हो तो। और भी है हीलिंग है, कोई ऑब्जेक्ट आपको पसंद ना हो और आप चाहते हो उसे ना दिखाए, ये देख रहे हैं आप, मैं इस ट्री को
गायब। हिस्ट्री को यहाँ पे ब्लर कर सकते हैं आप। अबे पिंच या ऑप्शन करने से ये छोटा होता है। ये देखिए तो ड्रामा है, विंटेज है, ढेर सारा ऑप्शन है। एक बार इसको डाउनलोड कीजिए, ये देखिए गाइस, ये एडिटिंग देखिए, नया दिखा जाओ। एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं यहाँ पे, ब्राइटनेस कोई पर्टिकुलर जगह पर, यहाँ पे मैं बढ़ा देता हूँ इधर, यहाँ पे आप कटा सकते हैं यहाँ पे एडिटिंग करने के लिए। यहाँ पे मैं कटा देता हूँ अपने फेस, यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। अबे और भी ऑप्शन है जैसे कि एक्सपोजर है, टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, सेचुरेशन बढ़ाना हो कुछ भी यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा इसी एप्लीकेशन में कि आप बैकग्राउंड में कलर और आप ब्लैक एंड वाइट दिखे, और ब्लैक एंड वाइट बैकग्राउंड और आप कलर वाला दिखे, वो भी दिखाऊंगा एडिटिंग। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा इसको, एक्सपोर्ट कर लेते हैं इस तरह से, आप एक्सपोर्ट कर दीजिए, फोटो एक्सपोर्ट हो गया गाइस, तो यहाँ पे सेव हो गया। गाइस हो गया। सो गाइस बाय।